के संबंध में भी बैठक आयोजित की गई और शासन की तरफ से आदेशों के अनुरूप कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कांवड़ मेले को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो कांवड़ यात्रा जो होगी, जो मेला होगा, उसको किस तरीके से आयोजित कराया जाएगा। लगातार तमाम बार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है वो बड़ी तेजी से फैल सकता है अगर कांवड़ यात्रा या कांवड़ मेले का आयोजन कराया गया पूरी तरीके से। इसलिए इस पर तमाम अंकुश लगाने की भी कोशिशें की गई हैं। वहीं उत्तराखंड में कांवड़ मेले को रोके जाने की खबरें सामने आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रबंधन करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो आदरणीय टीवी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखा है, स्पेल फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है प्रतिबंध को जो कुछ सबूत करके सर निर्धारित करते हैं उसके बारे में एक डिश है। उसके संबंध में जो है आज हमने सभी एसपी हमारा सर्कल ऑफिसर और स्टेशन ऑफिसर साथ हमने मीटिंग आयोजित की, उसी पॉइंट में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कावड़ मेला में आना उचित नहीं है, प्रतिबंध होगा तो उसके लिए 50% कैसा करना उसके बारे में हमने योजना बनाई और कोर्स प्लान का कैसा सत्यनाथ करना उनका पूर्ति की। उत्तराखंड में कांग्रेस के जसपुर विधायक आदेश चौहान जसपुर विधानसभा क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना खा रही युवक युवती के साथ पुलिस की बदतमीजी की घटना की आधी अधूरी जानकारी लेकर कुंडा थाना पहुंचे और पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं जब पुलिस ने आरोपी और पीड़ित के बारे में पूछा तो विधायक भी कुछ नहीं बता पाए। वहीं जब विधायक की बात आला अधिकारियों से हुई तो पता चला कि मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो ये पूरा मामला आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। आधी अधूरी जानकारी लेकर विधायक थाने पहुंचे और पुलिस को खूब खरी खोटी सुना डाली। जब आला अधिकारियों से बात हुई तो मामला पता लगा कि विधायक जी को तो पूरी जानकारी ही नहीं थी। लेकिन हमारे जसपुर थाने में दो सिपाही के अमित है कि योगेंद्र या नागेंद्र क्या है, ये लोग वहां पहुंच रहे थे। इन्होंने उसके साथ पिटाई की लड़की के साथ उसने किसी थाने देखे नहीं एक दिन और एक उम्मीद किसी व्यक्ति ने जो अमित नाम था और लड़की के साथ मत पुलिस जो मुझे अभी पता चला, लेकिन मैं जसपुर थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, कुंडा थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, ये मुझे बताया नहीं करना पता, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैंने सी साहब से बात की, एस साहब से भी की, आई जी साहब से की, एड एन साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम में बयान दर्ज किए उन दोनों को लाया क्या सुपुर्द जो उनके हो रहा था और उसने गिरफ्तार कर रहा, लेकिन मेरा कहना यह है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो पुलिस वाले उस बात को दबाना चाहते थे। तो अगली खबर लालकुआ से है। राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में स्टाफ की कमी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन और संबंधित विभाग पर आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज राय ने अपने समर्थकों के साथ विद्यालय अध्यापकों का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में लालकुआ के एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। साथी मिलकर जो लालकुआ का राजकीय इंटर कॉलेज है हम यहाँ पर पेड़ लगाने आए थे, पौधे लगाने आए थे, आम के कुछ पौधे लगाए हमने क्योंकि जो बरसात का मौसम करीब है अभी पेड़ लगाएंगे तो पेड़ उग जाएंगे। तो जब हम यहाँ आए तो विद्यालय में एंटर होते ही हमें तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उनका सामना करना पड़ा, जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, पिछले लंबे समय से ना यहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है, बहुत
बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रोफेसर यहाँ होने चाहिए थे हिंदी के, रसायन विज्ञान के, समाज शास्त्र के, उनकी बहुत दिनों से मतलब अभी तक किसी की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। कोर्ट क्लास के जो 9 पद है वो अभी तक रिक्त है, जिसकी सुध लेने वाले ना खंड शिक्षा अधिकारी जी है, ना जिला शिक्षा अधिकारी है, ना विधायक जी है, ना कोई प्रशासन है, पूरे अभी तक इसकी सुध नहीं ले रहा है और बच्चों को पढ़ाई के नाम पर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट ने बेरोजगारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। इन प्रस्तावों में कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर भी सहमति बन गई। उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर से लगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हलचल तक पहुंचाने वाला एकमात्र पुल विभागीय अनदेखी के कारण खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश में मोटर पुल के लिए हो रही खुदाई के कारण वैली ब्रिज के एवरेमेंट में दरारें आ गई हैं। इसी के चलते मंगलवार देर शाम प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बाजार के लिए जो संपर्क पुल है हमारा भागीरथी पे, उस पर आज हमने देखा कि दरारें आ गई थी दोनों मेन बैंक पे, और क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है पुल के बगल में जो है वो अरेंजमेंट बनाया गया खुदान हुई वहाँ से ठेकेदार के द्वारा, और हमने उनको कई बार संपर्क भी किया वर्ल्ड बैंक वालों से कि इसको जो है फटाफट इनका जो आर्थिक जो भी उनका होना है उसका वो करे, लेकिन भागीरथी नदी के कटाव के कारण और बरसात के कारण अब जो है जो स्टील ब्रिज है TWD का उस पर जो है आंच आ गई है। अभी हमने देखा तो उसमें कुछ दरारें आई हैं, तो इसके संबंध में मैं शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये ना हो कि ये मेन ब्रिज है जो हमारा वो टूट जाए और ये संपर्क मार्ग भी टूट जाए और तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, इससे शासन को प्रशासन जो है। उत्तराखंड शासन ने 2 IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। IAS राधा रतूड़ी को UPCL, UJBNL और पिटकुल का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं IAS अरविंद सिंह सोलंकी को सचिव कार्मिक सतर्कता और स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये 2 IAS अधिकारी हैं जिनके विभागों में फेरबदल किया गया है। दोनों IAS अधिकारी विभागों में फेरबदल किया गया, राधा रतूड़ी पिटकुल की अध्यक्ष बनाई गई है। वही IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करे जाने के बाद ये आपके सामने आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो नोटिस चल रहा है, इसमें बताया गया है कि कहां पर इन लोगों का ट्रांसफर किया गया है। 2 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। राधा रतूड़ी को पिटकुल का अध्यक्ष बनाया गया है। IAS राधा रतूड़ी को UPCL, UJBNL और पिटकुल का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं IAS अरविंद सिंह सोलंकी को सचिव कार्मिक सतर्कता और स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भादराबाद के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में बिजली पानी की किल्लत से हो रही समस्याओं से कर्मचारी और मरीजों का हाल बेहाल है। सरकारी खर्च पर चलने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र में पानी की एक बूंद को पिछले 3 दिन से मरीज और अस्पताल का स्टाफ तरसता नजर आ रहा है। गर्मी के इस मौसम में बिना बिजली के स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का बुरा हाल है। ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल का हाल बेहाल। राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में बिजली और पानी का संकट लगातार बना हुआ है। बीते 4 दिन से जो मरीज हैं वो भी पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। राजकीय स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जहां अभी बहस चल रही है, वहीं उत्तराखंड में 3री संतान पैदा होने पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का यह पहला मामला सामने आया है, जहां शहरी विकास विभाग ने लक्सर नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 4 की नवनिर्वाचित सभासद अनीता पांचाल को इसी आधार पर पद से हटा दिया है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक तरफ बहस चल रही है, यूपी में इसका ड्राफ्ट जारी किया गया, बहस लगातार जारी है, वहीं उत्तराखंड में इसको लेकर पहला मामला सामने आया है जहां पर एक पद से एक महिला को हटाया गया है।
कोरोना महामारी में भी उत्तराखंड में बलात्कार के अपराधों सहित कई अपराधों में पिछले साल के मुकाबले इजाफा हुआ है, जबकि हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी गंभीर अपराधों में कमी देखने को मिली है। यह सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध ऊधम सिंह नगर में सामने आए हैं, जो कि चिंताजनक है। जो भी महिला संबंधी अपराध होता है कि तत्काल उसका संज्ञान लेकर उसको पंजीकृत किया जाए और तत्काल जो जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अब क्योंकि देखिए जो महिला संबंधी अपराध है, आपने भी देखा होगा कि इसमें अधिकतर लोग मेरा मानना है कि 60-70% जो है उसमें जानकार या उनके निकट संबंधी का ही हाथ होता है, तो लिहाजा ऐसे अपराध को रोक पाना जो है कई बार संभव नहीं हो पाता। इस वजह से जो है इनमें बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे द्वारा जो है तत्काल महिला संबंधी अपराध को रजिस्टर किया जाता है और तत्काल उसमें 100% जो वैधानिक कार्रवाई वो तत्काल की जाती है और निकट भविष्य में भी सारे जो हमारे मार्ग कर्मचारी हैं ऐसा जो सहसो है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी महिला संबंधी अपराध है उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, तत्काल उसका संज्ञान लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो है हमने 3 वर्षों के आंकड़े मांगे थे अपराधों के, हमें ये आंकड़े दिए जिसमें 2020, 19 और 18 के तुलनात्मक आंकड़े, जिसमें 2020 में कोरोना काल रहा कुल 16,116 अपराध हुए, जिसमें 11,478 अपराध जो है भारतीय दंड संहिता के और 4638 अपराध अन्य अधिनियम। एक और चिंता की बात है कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो खाली मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही, उत्तराखंड के शांत पहाड़ी जनपदों में भी हो रही। 2020 में सर्वाधिक बलात्कार की बात ठीक है कि ऊधम सिंह नगर में हुए, 141 जो है बलात्कार की घटनाएं हरिद्वार में दर्ज हुई और 118 देहरादून में हुई, जबकि देहरादून जो है राजधानी है उसके बावजूद भी देहरादून में ऊधम सिंह नगर से कम अपराध दर्ज हुए, ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए, जो गंभीर बाकी गंभीर अपराध है। वहीं रुख कर लेते हैं अगली खबर का। लालकुआ से नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन 1 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत की तरफ से 100 कमरों का इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण किया गया था जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि कमरा खाली होने के कारण जुआरियों और शराबियों का अड्डा यह बन चुका है। तो बेघरों को जहां एक तरफ छत नसीब नहीं है, वहीं जुआरी और शराब यहां बैठकर अपनी मौज मस्ती करते हैं। बाकी निर्माण जो था वो कराया गया था जिसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि कमरा जो है वो खाली होने के कारण यहाँ जुआरी और शराबियों की खूब महफिल जमती है। केंद्रीय शासन ने एक अच्छा आदेश दे दिया, हम आप लोग बैठे हुए इसी तरह मैंने बोला की हम इसको जो है अपने वहां से लेकर आ गया सरकार से, केंद्र सरकार से आप इस तरह नहीं बांटेंगे, आप अब कुछ सोचता। पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के आदर्श पुष्प विज्ञान केंद्र में कार्यरत दर्जनों ठेका कर्मचारियों 2 महीने का वेतन ना दिए जाने और अचानक नौकरी से निकालने के खिलाफ विभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर 19 कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया और उनका 2 महीने का वेतन नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं से हमें वेतन नहीं दिया गया है, कई और क्या नाम है, हम जो अधिकारी से मांग करते हैं कि हमारा वेतन दिलाइए, तो कल हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है इसी कारण वेतन अभी नहीं मिल पाएगा। तो हमने ये कहा कि सर हमें करना क्या होगा, फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि काम छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। फिर हम लोग डायरेक्टर कक्ष में गए, डायरेक्टर से साथ में मिलने की कोशिश करी तो उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया और कह रहे हैं कि नियंत्रक महोदय इसके बारे में जानकारी देंगी। जी सर, यहाँ पर मैं कार्य से
1996 से कार्य कर रहा हूँ। आज को ये हुआ है कि ये जो महीने हमारी तनख्वाह नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रहे और बैठा दिए गए, एकदम बैठा दिए, ये स्थितियाँ हमारे साथ बनी हुई है। इसके लिए हम लोग क्या कर दिया अभी पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सदस्य आरती रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी बात कही है। आरती रावत के नगर पंचायत बनने के बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरती रावत के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। आरती रावत के नगर पंचायत प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरती रावत ने सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कहने के तहत कार्य नहीं किए गए। तो पंचायत के वार्ड 4 की सदस्य आरती रावत नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आज तक उनकी तरफ से जितने भी प्रस्ताव दिए गए हैं उनके अनुरूप कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की ओर से जबरदस्ती उनके वार्ड में गैर जरूरी कार्य कराए गए। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।